आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति चर्चाओं में बने रहती है, कारण कि यहां पर मामले कुछ ऐसे चलते हैं जिनके लेकर लगातार हम देखते रहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। और हो भी क्यों ना भाई, बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हो रही है, देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य की, और वो प्रदेश जहाँ से केंद्र की सत्ता तय होती है। कहा जाता है कि अगर केंद्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना है या सरकार बनाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यहाँ पर राजनीति चरम पर बनी रहती है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। इस समय राजनीति पे तमाम तरह के चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पर दौर के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट का एक फैसला ऐसा आया है जिसने सरकार को झटका दिया है, और झटका सरकार को दिया है और विपक्ष को दिया है मुद्दा, यानी विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हो चुका है। मामला यह था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने 7 दिसंबर को जो अधिसूचना जारी की थी उसको लेकर लगातार सुनवाई का दौर चलता रहा। 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 20 दिसंबर, 23 दिसंबर और हाईकोर्ट की छुट्टियां होने के बावजूद 27 दिसंबर का दिन तय किया गया था कि इसमें हम फैसला देंगे, और फैसला दिया गया। 87 पन्नों के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि फैसला जो है, अधिसूचना है, ये गैरकानूनी है, और ओबीसी आरक्षण की या फिर आप ट्रिपल लेयर टेस्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण का दृष्टिकोण पेश करें, वो व्यवस्था पेश करें, या फिर अब आप चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराएं। जिसको लेकर योगी सरकार का कहना है कि हम कमीशन गठित करेंगे, आयोग गठित किया है, और उसके माध्यम से हम टेस्ट कराएंगे, उसके बाद वो जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर हम चाहेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह का कहना था कि यहाँ पर सरकार ने जानबूझ के लचर पैरवी की, जिससे यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट ने नहीं माना और गैरकानूनी मानते हुए उसको निरस्त कर दिया, और कहा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग सरकार जाने चुनाव कैसे कराना है। और लगातार इस पर राजनीति हो रही है, यहाँ पर सरकार पर विपक्ष हमलावर हो चुका है, यानी विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया, और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा, अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दो। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, केशव मौर्य के लिए, आदित्यनाथ जी के लिए ये साफ संकेत नहीं देती कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप लोग वास्तव में पिछड़ा विरोधी हो?
क्या कहें? वो तो खुला है, आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण में छेड़छाड़ जितने भी सरकारी संस्थाएं थी जहां पर आरक्षण था उनको सब प्राइवेट को दे दिया, आरक्षण स्वतः खत्म हो गया, तो छेड़छाड़ तो है ही, संविधान को कमजोर तो कर ही रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके देश और प्रदेश के लोग अब चिंतन में हैं कि इनसे कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे सरकार को खत्म किया। और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि लगातार नगर निगम चुनावों को लेकर चर्चाएं गर्म थी, चर्चाएं कि कौन प्रत्याशी होगा, चर्चाएं कि लगभग 100 से ज़्यादा निकाय बढ़ चुके हैं, चर्चाएं किस तरह व्यवस्था होगी, किस तरह विकास होगा। अगर 2017 की बात करें, 2017 में महज 36 दिन में चुनाव कराया गया था, और चुनाव को अगर इस शीतलहर के बीच कराते हैं तब भी बड़ी चीज़ होती है, पर यहाँ पर चुनाव को कराना संभव नहीं है क्योंकि योगी सरकार का फैसला है कि हम कमीशन गठित करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ओबीसी आरक्षणों को लेकर जो टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही उस टेस्ट को करेंगे और उसकी रिपोर्ट निकलने के बाद ही अब ओबीसी आरक्षण पर हिसाब से ही हम चुनाव कराएंगे, सरकार ने कहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो गेंद है वो हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के और सरकार के पक्ष में डाल दी है। तो फिलहाल सरकार का फैसला तो यही है, चुनाव आयोग भी यही चाहेगा कि यहाँ पर जिस तरह से सरकार का कहना है कि हम पहले गठित करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर चुनाव होगा। और इस चुनाव को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो चुका है, क्योंकि जो कार्यकाल है अगर नगर निगम कार्यकाल की बात करें तो वो 8 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, और सभी निकायों की बात करें तो लगभग 20 जनवरी को सभी निकायों के जो मेयर हैं या पार्षद हैं या जो पदाधिकारी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उन सबका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। हालांकि कार्यकाल खत्म होना पहली बात नहीं, इसके पहले दिल्ली एमसीडी चुनाव भी लगभग 6 महीने लेट हुए हैं, तो यहाँ पर बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई चुनाव लेट हो जाता है तो फिर वहाँ के जो प्रशासक यानी SDM DM और तमाम जो शासन स्तर के अधिकारी हैं उनके हाथ में निकाय की कमान आ जाती है। तो इसके देखते हुए यहाँ पर प्रश्न तो बड़ा नहीं है, पर जिस तरह से यहाँ पर OBC आरक्षण पर सरकार को विपक्ष घेर रहा है तो निश्चित रूप से सरकार को भी ये फिलहाल अभी समस्या नज़र आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात साफ कर दी है कि यहाँ पर हम व्यवस्थित करेंगे और तमाम तरह के टेस्ट होने के बाद भी यहाँ पर चीज़ें बढ़ाएंगे। और जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि गांव-गांव हम लेके जाएंगे और आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल आरक्षण का मुद्दा जो भी हो, फिलहाल ये जो OBC आरक्षण का जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसके बाद से राजनीति उत्तर प्रदेश की गर्मा गई है, और इस कदर गर्माई है कि स्थिति अब शायद बड़ी अजीब है। अजीब इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सरकार व्यवस्थित करेगा और किस तरह चीज़ें करेंगे, किस तरह व्यवस्थित करेंगे और आने वाला ये समय बताएगा। फिलहाल चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा के विषय के बिना शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक चर्चा करना भी बेमानी होगा, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर तमाम तरह के मामले आते रहते हैं, कभी ज्ञानवापी का मामला चलता है तो कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का मामला चलता है, तो कभी यहाँ पर OBC आरक्षण की बात चलने लगती है, तो कभी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की बात चलने लगती है। और चूँकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, यहाँ पर रावण राम सूपनखा की तुलना भी होती रहती है और यहाँ पर कौन किसको क्या कह दे, ये फिलहाल भारतीय राजनीति की अलग ही व्यवस्था है और इन व्यवस्थाओं के चलते जो सियासी बाजार है वो हमेशा गर्म बना रहता है। और निश्चित रूप से इस चर्चा के विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी पूरी सक्रियता से यहाँ पर उस पूरी विपक्ष की भूमिका में अपने आप को बनाए रखे हुए है कि शायद विधानसभा में हम भले ही हमारा कोई सदस्य ना हो पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम महत्वपूर्ण भूमिका रखते हो और एक विकल्प के रूप में और एक बेहतर कार्य क्षमता और कार्य योजना के रूप में हम काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण चर्चा विषय मतलब मेहमान जुड़े रूबरू करा लूँ। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपना पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे भाई समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे और नाबेद सकोई भाई वरिष्ठ पत्रकार रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल प्रवक्ता भाजपा से रहेगा, विवेक भाई हाईकोर्ट की फटकार मिली है और यहाँ पर गैरकानूनी बताया गया OBC आरक्षण को और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने लचर पैरवी की, इस कारण ये स्थिति बनी कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया और अब निकाय चुनाव तो लेट होंगे और आप लोग चाहते ही नहीं है
कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले हो। और समाजवादी पार्टी इसको लेकर गांव गांव आरक्षण बचाओ यात्रा भी करने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, विपक्ष बेबुनियाद के आरोप लगा रहा है। अच्छा, ये पेच निकाय चुनाव को लेकर के केवल उत्तर प्रदेश में नहीं फंसा। अच्छा, इसके पूर्व ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जी, बिहार में, झारखंड में जी, सब जगह फंस चुका है जी। और हर कहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अच्छा, उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी जी, झारखंड में झारखंड मुक्त मोर्चा की सरकार है जी, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है जी, बिहार में जी नीतीश जी की सरकार है जी, ऐसी तमाम सरकारें इस समस्या से दो चार हो चुकी है। अच्छा, विकास किशन राव गवली की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ट्रिपल टेस्ट प्रणाली का, कि उसके तहत राजनीतिक आरक्षण दिया जाए उस वर्ग को जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। अच्छा, इसमें जो पूरा फैसला जब आप उसको पढ़ेंगे गौरव जी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि जैसे नौकरियों में जो पिछड़ों को आरक्षण है, हो सकता है कोई वर्ग शिक्षा में सेवा में पिछड़ा हो, उनको आप नौकरी में आरक्षण देते हैं, शिक्षा में आरक्षण देते हैं जी, लेकिन राजनीतिक आरक्षण उस वर्ग को दीजिए जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हो। कोई आवश्यक नहीं कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति। तो ये बात तो 2017 में आपने नहीं कही थी, अब ये बात क्यों कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। अच्छा, और रही बात जो हमारे ऊपर आरक्षण विरोध का आरोप लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में 2017 के जो उसके पास आंकड़े थे निकाय चुनाव, उसके आधार पे आरक्षण की व्यवस्था बना के ले गई थी। अच्छा, जिसको उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और गैर कानूनी बोल दिया, गैर कानूनी है, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, कहा ये नहीं है, ये हम आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसी के अकॉर्डिंग आप करके लाइए जी। तो उसमें मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट बयान आ गया कि बिना हम आरक्षण प्रक्रिया दुरुस्त किए हम चुनाव नहीं कराने जा रहे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज उसके बाबत आयोग का गठन भी मुख्यमंत्री जी ने कर दिया हो गया। तो ऐसे में जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार आरक्षण विरोधी है, तो पहली बात तो उनकी बात ही बेबुनियाद और हास्यास्पद है। अच्छा, और उच्च न्यायालय के उस आदेश के अनुपालन में सरकार जो उन्होंने कहा कि नहीं आप चुनाव कराएं, उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल चुनाव कराने नहीं जा रही, आयोग का गठन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और इस दौरान आयोग अपनी कार्रवाई संपादित करेगा, उसमें मेंबर भी अपॉइंट हो चुके हैं। अच्छा, तो ये सब सारी प्रक्रिया है और किसी भी सरकार के समय में आज की स्थिति ये नहीं कि किसी का आरक्षण कहीं कोई ख़त्म कर सके। अच्छा, और ना हम आरक्षण विरोधी हैं, ना हम दलितों के आरक्षण के विरोधी हैं, ना पिछड़ों के आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं बेबुनियाद है, ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। अच्छा, कल मेरे साथ एक हमारे कांग्रेस के मित्र डिबेट में थे, बड़ा बातें कर रहे थे, हमने कहा ये बताइए पिछड़ों को आरक्षण की जिस रिपोर्ट पे मिला मंडल कमीशन की, ठीक है मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, लेकिन आपके शासन काल में तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट धूल फांक रही थी, उसको निकाल करके लागू करने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने किया, उस सरकार में हम शामिल थे, आपके शासन काल में तो ये नहीं लागू हुआ, तो आप पिछड़ों के आरक्षण की बात हमसे किस मुंह से कर रहे हैं? हमने दिया, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, हम इसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। लेट हो गए, ठीक है वो अगर उस व्यवस्था से उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं तो उसके रास्ते निकाले जाएंगे, हम पिछड़ों के जो नई व्यवस्था उसके तहत आरक्षण सुनिश्चित करके चुनाव कराएंगे। पहले कर लेनी चाहिए थी, नहीं देखिए है क्या उसमें ट्रिपल जो टेस्ट सिस्टम है, पिछड़ों की जनसंख्या वहां नियत करनी है, उसमें पेच है, बिना जनसंख्या की गणना हुए उस निकाय विशेष में पिछड़ों की जनसंख्या निश्चित करना ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, और उसमें मई 2022 में एक फैसला और आ गया, उसके वजह से ये पेच फंसा है। अच्छा, नहीं इसके पहले अन्य प्रदेशों में तो इस पे कार्रवाई हुई है और उन प्रदेशों में इसके रास्ते निकाले गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में भी सही हो जाएगी। अच्छा, और चुनाव होंगे, ठीक है थोड़ा समय पे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण कहीं किसी का प्रभावित होने नहीं जा रहा है। तो नहीं, फिलहाल बेबुनियाद की बात है, ये लोग केवल मुद्दा विहीन लोग हैं। अच्छा, और बेबुनियाद मुद्दों की बात तो नहीं होंगे, आगे ही होंगे अब तो फिर। हाँ ठीक है, पीछे तो होने का सवाल नहीं होता। विवेक भाई, क्यों आप लोग आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं गाँव गाँव? भाई
तकी भाई आम आदमी पार्टी के सांसद ही बोल रहे थे कि 2 जनवरी से लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि वो भी यात्रा निकालने जा रहे हैं, गांव-गांव से निकाले जाएंगे। जितने भी पैनलिस्ट आज मौजूद है मंच पे, सभी मेरे लिए बड़े सम्मानित है, आदरणीय है, अभिभावक स्वरूप है, तो सभी को अनुमोदन पूर्वक प्रणाम करता हूँ और अपनी बातों को अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बातों को भी सुनने का निर्माण। 1995 क्या आपको वो दिन याद होगा जब अप्रैल का महीना था, मणिरत्नम की एक फिल्म आई थी जिसमें की मुंबई के दंगों को लेकर के बॉम्बे एक फिल्म आई थी जिस पर बड़ा बवाल हुआ था और उसपे जब प्रतिबंध हटा, वो पहला कार्यकाल था उत्तर प्रदेश के लिए जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू किया था। अच्छा, तो इस बात को मैं जिम्मेदारी से बता दूं कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसका श्रेय कहीं ना कहीं आदरणीय मुलायम सिंह जी को जाता है, समाजवादी पार्टी को जाता है और ये हमारे उत्कृष्ट कार्यों में शामिल है, इसलिए इस बात को मैं रखना चाहूंगा, याद दिला दूं सभी को। कारण इसका, उस पहली बार जो आरक्षण को लागू किया आदरणीय नेताजी ने, स्वर्गीय नेताजी ने, उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़ने लगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आज ये है, केंद्रीय अधिसूचना में अगर आप देखते हैं गौरव भाई, 2489 ऐसी जातियां हैं जो कि उनकी सूची में पिछड़ा वर्ग के रूप में, ओबीसी के रूप में आबद्ध है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो ये अभी विवेक भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि पेच फंसा है, बिल्कुल सही बात है। आपने सरकारी अधिवक्ताओं को नियुक्त करने में इतनी देरी की, पहला पेच वहां फंसा। आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करके फांसीवादी मानसिकता से सरकार चलाना चाहते हैं, दूसरा पेच वहां फंसा। तीसरा पेच तो ये है इनके लिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की फटकार नहीं पड़ती, इस सरकार की अकल ठिकाने में नहीं आती। जब आपको ये बात पता था कि 87 पेज का निर्णय जिसमें कि इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कृष्णमूर्ति और विकास किशन राव गौजी के निर्णय में जिसमें कि ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य दिया गया था, आपने उसको इग्नोर करते हुए, आपने उसको दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी पूर्ण तरीके से आपने जो शहरी विकास विभाग की धारा 9A(5)(3) के तहत जारी अधिसूचना जो 5/12/22 को जारी की थी उसको निरस्त करवाया, जो हाईकोर्ट ने निरस्त किया है, वो अधिसूचना सरकार ने जारी ही क्यों की? अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देशों का अनुपालन क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दे रखी है, आपने उसका अनुपालन नहीं किया। आप सुनिए अभी इन्होंने क्या कहा, कमेटी बनाएंगे, उस पे हम कहीं ना कहीं समाधान निकालेंगे। अरे गौरव भाई जी, वो सरकार है जो कि 2021 के यूपीएसआई के 15 भर्ती बोर्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड ने 15/12/21 की धांधली के दावों को भ्रामक और निराधार बताया। अच्छा। और फिर मई 2022 में कागज सत्यापन और रनिंग में 168+ अभ्यर्थियों पे FIR, 30+ सेंटर मालिकों पे FIR और 65+ FIR होती है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ और यही भर्ती बोर्ड इनका उत्तर प्रदेश शासन का आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि यूपीएसआई 2021 में धांधली हुई है। और आज 2 दिन पहले आपने देखा होगा, कल एक वीडियो वायरल हुआ, दरोगा जी गोली आगे से डाल के नली में से ठाए ठाए करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये किसी भी गाइडलाइन को नहीं मानते हैं, सबसे बड़ी बात देखिए ये है समस्या। योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं समाजवादी मानसिकता के साथ उत्तर प्रदेश के सरकार कार्यों को संचालित करना, क्योंकि भाजपा के अंदर एक नीति आप देखते होंगे, ये कोई पहली बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के यूपीएसआई के इतने बड़े घोटाले और धांधली पे एक भाजपा नेता की आवाज नहीं निकल रही है, पहली बात रखना चाहूंगा। दूसरी बात, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे रखा था, आपने उसको दरकिनार करते हुए क्या जरूरत थी अधिसूचना जारी करने की, दूसरी बात। तीसरी बात, आज केशव प्रसाद मौर्य जी कहां है भाई, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले इनके भाजपा के नेता कहां है, आज उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? अच्छा, सबसे बड़ी बात समझिएगा, उत्तर प्रदेश में शायद G20 और समिट वाला जो प्रोग्राम है वो अगले 2 महीनों में शायद, अगर मैं सही हूं तो मुझे गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, शायद वो भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही होने वाले जी। इस समय कहीं ना कहीं अगर ये चुनाव की घोषणा अगर ये हो जाती तो कहीं ना कहीं उसमें इनके इन कार्यक्रमों को, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश की जो आपको एक जो एक प्रोजेक्टेड पिक्चर है वो दिखानी है भाई, कहीं ना कहीं सरकार ने जानबूझ के लचर पैरवी की है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि जब आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो आपके जो सरकारी अधिवक्ता है, जो जिम्मेदार है, AG या जो भी सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो क्या इन बातों को नहीं जानते थे कि इनके अनुरूप प्रारूप तैयार किया जाए? अच्छा, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, भाई जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार करके सरकार को चला लेंगे,
सुप्रीम कोर्ट के महत्व को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ये न्यायपालिका पे इनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, इन्होंने तो सरकारी वकीलों की नियुक्ति में इतना देर किया, अब जो प्रक्रिया है जो प्रोसीजर है उसमें अगर देर हो रही है या इस तरीके के जजमेंट सामने आ रहे हैं तो ये तो सरकार की वजह है, सरकार छोड़ रही थी क्या? सरकार के पास संस्थाएं हैं, संभावनाएं हैं, लोग हैं, व्यक्ति विशेष है, मैन पावर है, किस बात की सरकार किसी एक मोर्चे पे किसी एक विभाग में बताइए अगर इसके कई कार्यों की प्रशंसा कोर्ट ने की हो तो। हर बार तो ये फटकार खा के आते हैं। कोविड में इसी तरह राम भरोसे बता दिया था, मतलब न्यायपालिका को कहना पड़ गया कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे है, इनको न याद हो मैं जजमेंट भेज देता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के अपने दायरे और मर्यादा होती है। जब आप न्यायपालिका के ये दिशा निर्देशों की अवहेलना करेंगे तो इस तरीके से आपको फजीहत झेलनी पड़ेगी। और बिल्कुल सत्य है, जब भी मनमानी करने वाली सरकार आएगी तो हम हो चाहे ये स्वयं विपक्ष में रहे हो भाई, यात्राएं तो निकलेंगी, संविधान बचाओ यात्रा भी निकलेगी, अधिकार बचाओ यात्रा भी निकलेगी। चलो ठीक है, विपक्ष रोड पर आ गया संघर्ष करने के लिए आ गया, ठीक है ठीक है, बधाई हो भाई, बधाई हो। तकी भाई, भाई आप भी यहाँ पर 2 जनवरी से सपा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, या आपकी आप तो क्या सक्रिय बने रहते हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा, जनवरी से आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं, संजय सिंह का स्टेटमेंट आया है, ट्वीट आया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो संविधान की रचना बाबा भीमराव अंबेडकर ने रखी थी उसका मेन मकसद ये था, जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित समाज है उसको आगे लाया जा सके, उसके अधिकारों को और दिया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका हमेशा विरोध किया है, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से, और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी का पर्दा या चेहरे से मुखौटा गिर जाता है और सच्चाई सही सूरत सामने आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सब किया है, ये जानबूझ किया है, षड्यंत्र के तहत किया है, किया है। जब ये हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही थी। ये प्रकरण हो रहा था पिछले 3-4 महीने से लगातार हो रहा था, उत्तर प्रदेश में सब लोग बैठे, टिपिकल कहते हैं 2 इंजन की सरकार है, तो 2 इंजन के जो 3-3 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इन सब चीजों को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए और उसको रोक नहीं सकते थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं जिसके तहत आपको जो है प्रक्रिया के तहत आपको ट्रिपल टेस्ट करना है और उसको आरक्षण कराना है, तो आपने उसको क्यों नहीं माना? आपने ऑफिस के अंदर बैठ के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 किया, आपने उसको वीरता से पूरक लिया नहीं, आप बचकानी हरकतें करते बच्चों की तरह करते रहे। आप यहाँ बताओ आरक्षण होना चाहिए, ऑफिस में बैठे बैठे बताइए कौन सा सर्वे किया है उन्होंने, ये सर्वे की डिबेट पूरी रिपोर्ट दे, किस सर्वे के आधार पे कहाँ सर्वे किए गए, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कौन सी एजेंसी उन्होंने हायर किया था, किस सर्वे के साथ उन्होंने सब ओबीसी वाला आरक्षण जो है उसमें प्रस्तावित किया था। तो इन्होंने जब दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इन्होंने उसका अनुपालन क्यों नहीं किया? तो आपने उसमें याद क्यों नहीं दिलाया इनको, याद दिला देते आप? अरे हम तो लगातार आवाज उठा रहे थे, हमने लगातार कहा कि सुप्रीम कोर्ट का माना हो रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को माना नहीं जा रहा है, उसके तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, हमने लगातार बहुत सारी उसके अंदर वो भी दाखिल करी, आपत्तियां दाखिल करी आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, कि गलत हो रहा है कहीं, अरे भाई आप सुनते नहीं लगते, कहीं आरक्षण मेंटेन है तो कई सालों से आरक्षण चल रहा है, और कहीं जो कॉमन जो सीट है वो कॉमन सीट है वो आरक्षण नहीं है, तो ये तो गलत हो रहा है ना। कौन सर्वे के हिसाब से इन्होंने आरक्षण कर दिया ये उसकी डिटेल दें, उस सर्वे को दिखाएं कौन सी एजेंसी ने हायर करी थी, तो सब हवा भाई बातें हैं। अच्छा, ऑफिस में बैठ के अकड़ बकड़ बम्बे वो करके इन लोगों ने नतीजा निकाल लिया। अकड़ बकड़ बम्बे वो, ये क्या है ये अकड़ बकड़, मतलब कि तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से उन्होंने कर दिया। अच्छा, विस्तृत तरह से गंभीरता पूर्वक डिटेल में जाके जो है काम नहीं किया गया, इसको ये प्रस्तुत कर सके। ये सही से सवाल तो भाई हाईकोर्ट से पूछे गए थे, उन हाईकोर्ट के सवालों का इतने बड़े बड़े महान जो इनके लोग हैं, जो इनको महान लोग नाम बता दीजिए, इतने बड़े बड़े लोग हैं भाई, आप पूरा पूरे इनकी सरकार है, पूरी व्यवस्था इनकी है। अच्छा, पूरे बड़े बड़े डीएम डीएम सब लोग लगे हुए हैं, तो वो कोर्ट के अंदर जवाब क्यों नहीं दे पाए उसको, क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पाए? और ये जो ये इन्होंने बनाया, अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अगर सुप्रीम अगर वकील हैं जो भी इनके भाई इनके बाबू हैं डीएम एसडीएम जो भी इन्वॉल्व है उसके अंदर प्रक्रिया के अंदर, यात्रा निकालने वाले 2 तारीख को आप लोग बिल्कुल राजस्थान निकालेंगे, क्योंकि अब बाबा संविधान के ऊपर जो है बढ़ाने लगा है, आरक्षण में खतरा लगा है, लोगों को जागरूक, आप लोगों की बातों का मूल्यांकन यहाँ पर नाबिर भाई करेंगे। नाबिर भाई, यहाँ पर जिस तरह से आरक्षण पर हाईकोर्ट का एक फैसला आया, सरकार को फटकार लगी और सरकार अब आयोग गठन करके वो काम कराने जा रही है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पता थी, उसके बावजूद 7 दिसंबर को उन्होंने डिसीजन जारी कर दी, कैसे देखते हैं? और विपक्ष का जो आरोप है उसको कैसे देखते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
जी के बारे में ये कहा भी जाता है और महसूस भी किया जाता है कि भाजपा की सरकार बड़े पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। जी बिल्कुल, भाजपा की जहां जहां भी सरकार है, चाहे केंद्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे अदर स्टेट में हो, सरकार चलाने का तरीका ये होता है कि वो अपनी पॉलिटिकल लाइन पे चलते हैं यहां पर, और शायद यही से सफल भी है, चाहे उनकी चुनावी रणनीति हो या सरकार चलाने का तरीका हो, वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं ये बात सेकेंडरी होती है, वो पार्टी के जनाधार के लिए किस तरीके से सरकार चलाए इसमें बड़ी परिपक्वता है, बड़ी काबिलियत है, नो डाउट इस बात में भाजपा की। चाहे हम लोग तारीफ करते हैं भाजपा चुनाव अच्छे से लड़ती है, उसका चुनावी मैनेजमेंट अच्छा है, सरकार भी उस तरीके से चलाती है कि हमारा वोटर कहीं ना कहीं हमारा जनाधार ना खा हो। यहाँ पर इतनी बड़ी चूक हुई है जी। इतनी बड़ी चूक हुई है कि उसकी कल्पना कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर उसकी समीक्षा की जाए तो घंटों बोलना पड़ेगा, और कोई भी इस पर समीक्षा कर सकता है घंटों। आरक्षण का मुद्दा है, ये पिछड़ों का मुद्दा है, पूरे देश की राजनीति इसी धुरी पर घूमती है, सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास देखिए, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इसके लिए इस सेंसिटिव मुद्दे से किस तरीके से लड़ के और भाजपा ने जीता, अब पिछड़ों का दिल जीता और जनाधार में आ गई, बहुत बड़ी ताकत बन गई जी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार जो सख्त सरकार है, जो सतर्कता बरतती है, वो एक एक सेंसिटिव मुद्दों को देखती है, अधिकारियों पे कमांड भी है, लेकिन इतना बड़ा मास्टर प्लान है, इतना बड़ा गलती जिसकी वजह से पूरी सियासत बदल सकती है। देखिए ये नगर निकाय, नगर निगम चुनाव ये बहुत छोटा चुनाव है, बढ़िया बात है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, चुनाव तो कोई बहुत छोटा नहीं होता लेकिन मान लेते हैं जी। ये भी एक एरर मान, लेकिन इसके पीछे की गंभीरता बहुत बड़ी है। देखिए यहाँ पर मैं नहीं मान के चल सकता कि सरकार इतनी सोई हुई थी, हम ये भी नहीं मान सकते कि कोई अधिकारी इतनी इस तरह की चूक कर रहे हो और सरकार आंख और कान बंद किए हुए हो। भाई सरकार और अधिकारी अलग थोड़ी होते हैं, सरकार का मतलब होता है अधिकारियों से काम लेने का एक जो सिस्टम होता है, यानी उनकी कमांड, अपना एक मार्गदर्शन, एक दिशा निर्देश। तो अधिकारी इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे, तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो न्यायालय कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये तो न्यायालय कह रहा है कि उसके ऊपर जो आपने खाका तैयार किया आरक्षण का, वो बिल्कुल गलत है, उसके मानक ही गलत है। ना जांच हुई, ना सर्वे हुआ, ना कमेटी बनी, और तब जो हमारे मित्र अभी भाजपा के बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत उम्दा बात कही, उन्होंने कहा इससे पहले अदर स्टेट्स में इस तरह के मामले उठे और ये बातें निकल के आई, आदेश आया, इस समय मैं आपसे बात करते हुए बिस्किट खाने लगूं और मैं खांसने लगूं और बोल नहीं पाऊं, तो इस पैनल के सारे लोग ये समझ जाएंगे कि कभी हम खाते हुए नहीं बात करेंगे, क्या बात, गले में फंस जाएगा, बोल नहीं पाएंगे जी। ये स्टेट्स में ये मामला आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार तब भी जो पार्टी तब भी सबक नहीं लिया, उसको उसने उसने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया। अगर उसके अधिकारी लापरवाही कर रहे थे तो सरकार क्या सो रही थी? वो सरकार जो पॉलिटिकल पॉइंट से सारी चीजों को समझती, या ये मानने के चलिए जो कि वो आरक्षण को गंभीरता से नहीं लेते हैं, या फिर शायद मैं ये नहीं मान के चलता हूँ कि वो इस बात को इस सरकार नहीं समझती है, उत्तर प्रदेश भाजपा नहीं समझती है कि आरक्षण कितना गंभीर मुद्दा है, छोटी चीज तिल का तार बन जाएगा, पूरा जनाधार बिखर सकता है, बन गया है। मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत थी, अपर कास्ट के ऊपर थी, 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जी जो ताकत बनी है भाजपा, उसकी सिर्फ ये वजह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पिछड़ी जातियों के समाज ने भाजपा को स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया है। वो जो एक अरसे का एक लंबा समय संघर्षों का था, भाजपा का, संघ का, जिसने विश्वास इस देश की जनता को दिलाया कि क्षेत्रीय दल और तमाम दल जो हिंदुओं को तोड़ते हैं, उनको जातियों में बांटते हैं, उनको कमजोर करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, जातियों को भूल जाओ, हिंदुत्व की रक्षा करो, भाजपा को जिताओ, ये थिंकिंग पैदा करने के लिए दशकों लग गए थे भाजपा और संघ को, और वही उसमें सफल हुए। और खास तौर से उसकी जमीन है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में जहां पिछड़ों का विश्वास भाजपा ने जीता, वहां पर इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आप विपक्ष के हाथ से इतना गहरा हथियार दे रहे हो। वही विपक्ष जो सोया रहता था, वही समाजवादी पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था और कहा जाता किसी तरह जायज भी कि ट्वीट की राजनीति जमीन पर नहीं उतरते, आज उनको जमीन पर उतरने के लिए और पिछड़ों की राजनीति करने के लिए उनको मजबूत हथियार दे दिया।
बड़ी गलती की है, ये चूक कहां से हुई है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैं सुबह से 6 डिबेट कर चुका हूं और बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ बात की, मुझे लग रहा है ये इसके पीछे क्या कारण है। और ये वही के राज्यों में ये बातें सामने आ चुकी थी। आज देखिए आप आरक्षण का एक मुद्दा, लोकसभा चुनाव मान के चलिए कि ये जो वर्ष आ रहा है ये जो है चुनावी वर्ष है, ठीक है, क्योंकि 24 में शुरुआती दौर में और इस चुनावी वर्ष में आरक्षण की बात आप उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में फैले गया आरक्षण पिछड़ों की बात। ठीक है ठीक है ठीक है विवेक भाई, भैया यहाँ पर नुकसान हो सकता है आपको, नाविद भाई का कहना है और विवेक पांडे कहना है, आप तक कहाँ थे, आपको याद क्यों नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं लिया आपने, संज्ञान क्यों नहीं लिया, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक। देखिए नाविद जी की अपने तरीके अपना पक्ष है उनका, अच्छा विषय वही बात कही है जो उनको बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि आरक्षण की पूरी प्रक्रिया बना करके उत्तर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष ले गई थी। अच्छा, बस आधार ये था कि 2017 में निकाय चुनाव के उस पर ले गई थी आधार पर, जी जी, और अदालत का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के जो TTT का फार्मूला है उस आधार पे आप बना के लाए, उस आधार को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो अब उस आधार को नहीं मान रहे, जिस आधार पे कह रहे साहब उस आधार बना के ले चले जाएंगे जी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो बार बार जिस तरह का लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तोबा मचा रहे हैं, तोबा मचा रहे हैं, हजरे मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है किसी को मुस्कुराना हंसने के कोई रोक नहीं सकता जी। लेकिन जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जिन जो हमारी मनसा सवाल उठा रहे हैं, हमारा सवाल उनके ऊपर है कि ये इनकी ये इस तरह की मनसा ये क्यों बता रहे हैं। अच्छा, क्या इनको पिछड़ों के आरक्षण से कोई ज्यादा दिक्कत है क्या? अच्छा, हम इस बार भी लेके गए थे, बीजेपी का चेहरा चरित्र है जो छुपा रहता था मुखौटों के सामने आ गया है और इसीलिए बीजेपी परेशान हो गई, तड़प गई है। अगर बीजेपी को इतनी हमदर्दी थी तो ओबीसी के लिए इन्होंने क्या किया पिछले साल में बताइए, सिवाय वोट देने के अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को उपमंत्री बना के भेज दिया, बेचारे पर पावर ही नहीं, अरे भाई दिल्ली भाग के जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, उनको सुनने को पावर नहीं, ये केशव मौर्य पावर की बात कहां से आ गई? खाली नाम का उनको उपमंत्री बनाया गया, ये केशव मौर्य की पावर की बात कहां से आ गई? आप ओबीसी के हितैषी हैं तो ओबीसी के किसी को बड़ा पद देते, मुख्य पद देते या उसको पावर देते? ना पावर बने तो है गौरव जी, एक मिनट मुझे उनकी बात जवाब दे रहे थी। इनके सारे प्रश्नों का उत्तर ये है, आजादी के बाद से पहली बार देश में महामहिम राष्ट्रपति के पद पर हमने उनको पहुंचाया जो समाज के अंतिम पायदान से आदिवासी समाज से आती है। रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। आज तक आजादी के बाद से आज तक किसी ने आदिवासी समाज के महिला या पुरुष को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंचाया था। अच्छा, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। विरोध कर रहे हैं, रुक जाइए, ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी मनसा में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, हमारा सवाल उनकी मनसा पे, क्या उनको ये चीजें दिखाई नहीं देती? स्वयं प्रधानमंत्री पिछले समाज से आते हैं और तमाम हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री पिछले वर्ग से हैं, शिवराज सिंह चौहान उसमें उदाहरण है, लगातार मुख्यमंत्री है इतने वर्षों से, ये सब तमाम उदाहरण है। जो लोग इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, हमारा प्रश्न उनकी नीयत पर है। अच्छा, आखिर उनको इस बात की दिक्कतें क्या है? नीयत खराब है, हम एक आधार पर बना के ले गए थे, उच्च न्यायालय ने कहा साहब ये आधार नहीं, आप उस आधार बना के ले आइए, ठीक है, उसकी आवाज उठा रहा है, ठीक है, हमें क्या दिक्कत? हाईकोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, आपने आदेश नहीं माने, ठीक है भाई, उस आधार में हो जाएगा। दूसरी बात, आप कहते हैं समाज को क्यों नहीं बांटा आपने? अभी आपके ही जो है बहुत से लोग आवाज उठाएंगे, ओम प्रकाश राजभर वो आवाज उठाएंगे, संजय निषाद आवाज उठाएंगे, आंदोलन 100 साल से चल रहा है, पसमंदा आंदोलन 100 साल से चल रहा है, पसमंदा आंदोलन उठा के पढ़ा लिए, इतने नहीं है पसमंदा समाज, हमने हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये विभाजन हमारा, आप चाहते हैं क्या विभाजन आपके समाज में पहले से है, आप स्वीकार नहीं करते सत्य से चुराना आप लोगों का सब सगल है। पार्टी जातिगत जनगणना कराएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराने के फेवर में है? आप लोग जनगणना की बात कर रहे हैं तो राज्य स्तर पर करा लीजिए, वैधता वाली नहीं होगी, आप करा सकते हैं भाई, ये अधिकार है आपको। तो बीजेपी से पूछा, बीजेपी कराई है क्या?
नहीं बिल्कुल, आम आदमी पार्टी चाहती जाके झगड़ा हो सबको अधिकार को मालूम पड़े, संख्या से पता लेकिन नीतियां बनी उसी हिसाब से। आप अपने बुराई बुराई तो अच्छी, आम आदमी पार्टी तो चाहती है जाके झगड़ा हो। कहा कि आप अपने राज्य में करा लीजिए, बिल्कुल कराएंगे हम, पंजाब में करा लीजिए, पंजाब में कराएंगे, दिल्ली में कराएंगे, हम जाती झगड़ा जाने के अब जानते हैं सरकार को सही सही आंकड़े आए, बीजेपी आंकड़े के अगेंस्ट है, नो डाटा अवेलेबल, एनडीए का फुल फॉर्म है। अच्छा आप बताइए आजादी का झगड़ा के फेवर में है नहीं, बताइए आप देखिए। नहीं देखिए, जो विषय सरकार के नीतिगत स्तर पे होना है उसका उत्तर में देने की स्थिति में बीजेपी प्रवक्ता है आप, बात रखते बीजेपी की, आप बताइए जाति का झंडा होनी चाहिए नहीं चाहिए, इसके बाद अभी जाति के झंडा में मामला जाएगा आगे और बढ़ेगा, पेच और फंसेंगे इसमें। विषय ये है कि अभी सब पर मामला जाएगा, पर जनता के मुद्दों पर संघर्ष नहीं होगा, उस आधार पे मैं यही देख रहा हूँ भारतीय राजनीति। आप इसमें बना के लाइए, इसमें कह उस पे फिर बना के ले जाएंगे, देश पहले से निर्धारित थे बात, तो आप दूसरी तरफ गए जो आपने बताया था पेश फंसेगा, इसलिए जानबूझ के उसकी तरफ आप बैठे हुए थे वहाँ पे जो अधिकारी बैठे, ताकि मैं आप जानबूझ के आरोप क्यों लगा रहे हैं, जानबूझ के गलती अगर हुई है तो आप जानबूझ क्यों बोल रहे हैं, एक आधार पर बना के ले गए, उसमें भी आरक्षण खत्म किया था, ऐसा आरक्षण खत्म होने जा रहा है, जो आरक्षण दिए गए हैं आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों की मंशा पे सवाल है, वो ऐसी बात कर क्यों रहे हैं, क्या उन्हें न्यायालयों की बात ही नहीं मानते, क्या मनमानी कर रहे हैं आप, क्या क्या अखिलेश यादव को समझ नहीं पा रहे, या अपने वर्ग समाज को छोड़ करके अन्य पिछड़ों का लाभ होते हुए देखना नहीं चाहते क्या? अच्छा न्यायालय की जो इसमें उदाहरण है उस फैसले में, उनका ये कहना है कि हो सकता है कोई समाज शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हो। जो जो पोलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है गौरव जी, यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन उसी को मिले जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा समाज बिल्कुल, हो बिल्कुल। उसको चिन्हित करके उसको वहां पे निकाय स्तर पे रिजर्व कैटेगरी में किया जाए, ये न्यायालय का है। और जिस तरह का ये लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने कहीं भी पिछड़ा आरक्षण समाप्त नहीं किया, हम इस बार भी पिछड़ा आरक्षण चार्ट बना के ले गए थे। अच्छा, उन्होंने कहा इस आधार पे नहीं, हुआ नहीं ना उसमें, इस आधार पे ना ले, तो बहुत कुछ कहते आप। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को दो तरह से खत्म कर रही है, एक तो सबको प्राइवेटाइज किया दे रही है, सबको अदानी अंबानी को अपने दोस्तों को बेचे जा रही है, वहाँ आरक्षण नहीं आ रहा, खत्म हो गया। उसके बाद सारे आपने सारे पीएससी उठा के बेच दिए उनको, सब खत्म हो गया। अब आप जो है सरकारी नौकरी में शिक्षा पे और चुनाव में भी आरक्षण को बीसी का हक मार रहे हैं उन लोगों का, अरे जिसकी आबादी इतनी ज्यादा उसको अधिकार मिलना चाहिए, इसमें गलत बात क्या है? पीएससीयू में जो आप बात कर रहे हैं ये कोई नीति आज से तो नहीं आई, ये तो नीति आई है आपके नरसिम्हा राव जी के जमाने से। अरे नरसिम्हा राव साहब ने कांग्रेस वालों ने तो जो गलतियां आप कहते थे जो कांग्रेस ने गलतियां करी, हम गलतियां नहीं करेंगे, वो तो आप आप हम देश नहीं बिगड़ने देंगे, हम बाहर से निवेश नहीं आने देंगे, ये सब आपके बड़े बड़े वादे थे, वो वादे भूल गए आप। बाहर से निवेश अगर आकर के यहाँ पे, अरे एफडीआई का, आप एफडीआई का रोजगार, आप एफडीआई के फेवर में थे 2014 से पहले, बताइए 2014 से पहले बीजेपी के एफडीआई के फेवर में थी, 2024 से पहले बीजेपी की जीएसटी के फेवर में थी, एक सीमा तक बिल्कुल हम है, हाँ एक सीमा तक ठीक है। ठीक है विवेक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? विवेक जी चले, ठीक है ठीक है। तक नावेर भाई, यहाँ पर बीजेपी वाले जो प्रवक्ता हमारे विवेक भाई, उनका कहना था कि यहाँ पर उनकी अपनी राय है और सरकार से गलती नहीं हुई है, और ये तो व्यवस्था है, हम लेकर गए थे और प्रयास किया था, अब हाईकोर्ट को समझ नहीं आया, हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। मैंने ये नहीं कहा हाईकोर्ट को समझ नहीं, मैंने कहा हाईकोर्ट का ये कहना है जी कि इस आधार पर नहीं, आप इस आधार बना के ले आइए, नए आधार पर ले आइए, उसमें बना के ले आइए, कमीशन गठित कर दिया है, हाई कमीशन गठित कर दिया जी जी। चलिए चलिए, जो जो भी हुआ उसको भूल जाएं और एक बात को समझ दें कि कमेटी गठित हो गई है और नियमानुसार बाकायदा कमेटी बनेगी, सर्वे और तमाम प्रक्रियाओं के बाद में चुनाव होगा है ना, और आरक्षण मिलेगा। एक बात समझने की कोशिश करिए, और इस सारी प्रक्रियाओं में 6 महीने कम से कम 5 महीने बिल्कुल लगेंगे, ऐसे लग जाएंगे लग जाएंगे। अब एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी का कहां पे नुकसान होगा, 5 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद चुनाव होगा जी, और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाएगा सारा विपक्ष आरक्षण आरक्षण पिछड़ा पिछड़ा आरक्षण बिल्कुल हाथ मारा ये कहता रहेगा, यात्राएं निकालेगा, सड़क पे उतर आएगा। और ये वर्ष कौन सा है इस बात पे गौर करिए, ये वर्ष है लोकसभा की तैयारी का जी। और लोकसभा उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, ये सब समझ सकते हैं, या किसी पार्टी के लिए भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, और यहाँ से एक माहौल पैदा होता है, पूरे देश में जाता है। आप ये मान के चलिए कि जब 2000 जो दो चार दिन के बाद शुरू हो रहा है, 23 में
भारतीय जनता पार्टी के इरादे क्या थे, क्या होंगे कि 23 में हम लोकसभा का चुनाव बड़े भव्य लेवल पे करेंगे और उत्तर प्रदेश उसका आधार होगा। यहाँ पर हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हम यहाँ हिंदुत्व की बात करेंगे, हम यहाँ मंदिर की बात करेंगे, यहाँ जो हमने विकास कार्य किया उसको दिखाएंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे, तमाम हिंदू मुस्लिम वाले कानूनों की बात करेंगे या इस तरह के कानून लाएंगे। कितना बड़ा प्लान, कितना बड़ा सपना होगा उत्तर प्रदेश में वो जमीन पे उतारने का, वो राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रवाद को, पाकिस्तान को, तमाम इस तरह की बातों को लेकर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक, क्योंकि ये 23 कितना महत्वपूर्ण है, एक साल कुछ नहीं हुआ, एक साल लोकसभा, इतना बड़ा लोकसभा चुनाव होता है। भाजपा तो के बारे में कहा जाता है कि मेधावी छात्र की तरह साल भर तैयारी करती है, और लोकसभा के लिए एक साल मतलब दो चार दिन। उस जो भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों पर काम यूपी में बिसात बिछाने जा रही थी, वही भाजपा अपनी आवाज ही नहीं बुलंद कर पाएगी, क्योंकि इतना शोर होगा, पिछड़ों का हक मार लिया, आरक्षण 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 चारों तरफ से, आप भी इसके बुनियाद आरोप को लावे जी, सबका आरोप सरकार आयोग बना चुकी है, प्रक्रिया चालू है, दिल्ली में दे रही है, जनता समझ गई है बीजेपी का मंशा क्या है, दिल्ली जनता जान गई है, कितने ओबीसी समाज के लोग, पिछड़ी समाज के लोग समझ गए बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी हमेशा से ओबीसी विरोधी नहीं थी, बीजेपी हमेशा एससी के विरोधी थी, ये सामने आ गया। सरकार काम कर रही है, सरकार जनता की बात देख रही है, जनता वेचना कर रही है, जनता समझ रही है ये जानबूझ से क्या गया, कभी आरक्षण की बात नहीं आ गया। अरे भाई बारे बारे बोलिए, देखिए भाई, देखिए भाई, अभी अखबार लेता हूं, आज के विरोध की खुद ही सामने आ गया। बोल ले, बोल ले नवरे भाई, पूरी बात करिए भाई, पूरी बात खत्म, नवरे पूरी बात करिए अपनी, नवरे जी अपनी बात पूरी करिए जी। नहीं मैं क्या, मैं बोल रहा था, पता नहीं कौन बीच में बोल रहा था, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, पता नहीं मुझे शोर की आवाज आ रही थी, मुझे विजुअल तो नहीं दिखाई दे रहे। मैं ये कह रहा था जो बात शायद कोई पता नहीं कौन बीच में बोलने लगा, उसको शायद नहीं समझ है कि रवि का आदमी बोल रहा होता है, वो भी हम किसी पार्टी या किसी बोल रहे हैं, हम अपना एक विश्लेषण के तौर पर बोल रहे हैं, और हमारा मुझे लगता है कि शायद साउंड उसकी वजह से दब गया। मैं ये कह रहा था कि जब आरक्षण की बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जो भाजपा के लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ ये जो आरक्षण की बात निकली है तो अब बात इसी के साथ ज्वाइन कर लेगी, जिस बात को लेकर अभी तक विपक्षी दलों ने उस शिद्दत से वो मामला नहीं उठाया, निजीकरण, निजीकरण जो आरक्षण को खाए जा रहा है, इसके साथ ये बात अगर अटैच हो जाती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि निजीकरण से किसी को तकलीफ अगर है तो वो आरक्षण वाले, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और आरक्षण वाकई ये बात अगर ज्वाइन हो जाती है तो ये लोकसभा से पहले भाजपा के लिए वही मंडल का मंडल वाला मामला हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मंडल जो है वाला माहौल एक ऐसा पैदा हो जाएगा कि ताकतवर भाजपा के अब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाएगी। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ जो शोर की वजह से शायद किसी ने नहीं सुन पाई थी कि ये महत्वपूर्ण साल है 23 लोकसभा की तैयारी के लिए भाजपा ने एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी तैयारी की होगी, जिसमें वो राष्ट्रवाद के मुद्दे उठाती, जो उसमें हिंदू मुस्लिम के से जुड़े हुए तमाम कानूनों की बात करती, मंदिर की बात करती, ये सारी बातें जो करने जा रही थी लोकसभा की तैयारी में, उसके ऊपर एक शोर आरक्षण का आया जा रहा है। अच्छा। वो भाजपा के लिए घातक हो सकता है। ठीक ठीक है, विवेक भाई कुछ कहते हैं आप, विवेक श्रीवास्तव जी। जी देखिए नावेद जी, हाँ, जिस विषय को बार बार उठा रहे हैं उस बात को कोई गंभीरता से नहीं ले। अरे वो कह रहा है ना कि नुकसान हो सकता है, ये कह रहा है इनका, तो ये इनका पक्ष, ये तो विषय आज की डिबेट का ही है। हाँ। आरक्षण की बात हो रही तो आरक्षण की तो बात हो जी का पक्ष है, हम इनके पक्ष से सहमत। अरे आप टेंशन नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, 2017 के आधार पे बना के नावेद जी ईमानदारी काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं साहब, इस आधार पर नहीं, आप टिप्पणी के आधार पे लाइए, हम उससे बना के ले जाएंगे। आयोग का गठन सरकार ने आज ही कर दिया। हाँ। सरकार की मंशा पे सवाल उठाने वालों के मुंह पे ताला लग जाना चाहिए। अच्छा। जो कह रहे हैं उनको नहीं कहना चाहिए, ताला लगाई तकी भाई, ताला लगाई गंभीर नहीं है, गंभीर मामला नहीं है। हाँ। इनकी इनके संविधान पे आ गया, आप लोग गंभीर ले रहे हैं, अगर गंभीर जनता के लिए गंभीर मामला है। अरे कभी भी गड़े कर तो दिया भाई, प्राइवेटाइजेशन में उनकी नौकरियां खा ले रहे हैं, कभी उनका आपके गठन कर दिया, आपने जो है सरकारी नौकरियों पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, स्वयं इस विषय पर लगातार बीजेपी ओबीसी के अधिकारों का हनन करती जा रही है, उनके अधिकार खाती जा रही है, ये उसका पते प्रभाव। अरे भाई सरकार ने गठन कर तो दिया, कभी से गठन कर दिया है, सर्वे क्या किया आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं सर्वे की डिटेल बताइए, किस सर्वे के आधार पे आपने आचरण किया है, डिटेल दीजिए, कहां कहां गए थे, कौन से 17 के सर्वे का आधार बनाया है दीजिए, आप 2000 आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खोल के फिर आ गए, आपका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्या होता है,
आपने खेल में लिया उसको, आपने मजाक में लिया, आपने सरकार आपने ओबीसी के अधिकार मजाक उड़ाया, विशेष माने पे उन्हीं को दबाया है, उनको आपने उनको विश्वविद्यालय में ये जनता की आवाज है जिसको आप विधवा विलाप कहते हैं, ये जनता की आप जनमानस की आवाज है जो आपको सुननी पड़ेगी और इसकी गूंज आपको अगले छह महीने तक साथ सुनाई जाएगी, जहाँ जाएंगे आप नारे लगेंगे बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी कर्तव्य विरोधी है, बीजेपी जनता विरोधी है, बीबी बाबा आप चिल्लाते रहेंगे, आप आरक्षण ये आवाजें गूंजेंगी उत्तर प्रदेश की गलियों में, उत्तर प्रदेश की पगड़ियों में आप चिल्लाए आवाज चिल्लाए जाएंगे अपने काम बीजेपी ओबीसी विरोधी है, आप बीजेपी बाबा नारे लगेंगे ठीक है ठीक है ठीक है आप चिल्ला ठीक है काश ये नारे जनता के मुद्दों के लिए लगते शायद महंगाई बेरोजगारी कानून व्यवस्था अच्छाई और बेहतर विकास के लिए तो शायद हमारी डिबेट और आप सभी लोगों का जो एक काम था वो सार्थक हो सकता था, पर खैर यहाँ पर सियासत ही सबसे ज़्यादा बड़ी हुई है। विवेक पांडे जी हमारे जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे जी आपको मेरे से आवाज़ नहीं आ रही थी, विवेक भाई, विवेक भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है, शायद विवेक संपर्क नहीं हो रहा है, ताकि भाई बोलिए आप जी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि यही बार बार बात निकल के सामने आ रही है, जैसे अभी विवेक जी ने खुद कहा कि ये चीजों को गंभीरता पूर्वक उन्होंने लिया, ये समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। अच्छा। और उन्हें इसको बहुत लाइटली लिया, जब आप कहते हैं आपकी डबल इंजन की सरकार, तो आपको परिणाम दिख रहा है क्या? सरकार सब आपको परिणाम दिख रहा है क्या? दिख रहा है बिल्कुल, आज ये इनका चेहरा जो है, जो इनका चेहरा परिणाम क्या होगा, चेहरा है जो परिणाम बता दीजिए, परिणाम ये है कि अब जनता समझ गई इनको क्या होगा। अच्छा, जनता ने मतलब झूठे वादे इन्होंने जो वादे से किए थे 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, सारे वादे झूठे साबित होते चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई, जनता इसका तो दूरगामी परिणाम होगा। अच्छा। ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अच्छा। ये बात बहुत आगे तक जाएगी। अच्छा। और ये इनको बहुत, ये उत्तर प्रदेश में नहीं परेशान करेगा इनको। अच्छा। ये भाई ये हर राज्य में चुनाव होने वाले, हर राज्य में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ इनको इसकी गूंज सुनाई देगी, इस तरह के नारे लगाए जाएंगे और जनता जागरूक हो जाएगी, ओबीसी लोग जागरूक हो गए, बीजेपी के बहकावे में टूटा हुआ था आपसे विवेक भाई जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? गौरव भाई, BSNL की हालत सरकार ने ऐसी कर दी कि BSNL का मुद्दा फिर किसी ने ले लिया जाएगा जी? बोलिए विवेक जी, बोलिए। देखिए गौरव भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि संवैधानिक दायरे के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश दे रखे हैं तो उनकी अवहेलना करना कहीं ना कहीं मनमानी कार्य करने का कारण है, ये पूरा पूरा स्पष्ट प्रतीत होता है। और योगी सरकार के साथ एक सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि लगातार हाईकोर्ट की बात करिए चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के मसले में भी ये कंटेंट का केस है और जिस तरीके से निकाय चुनाव मॉडल पुलिस पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, विवेक जी से थोड़ा बाहर आइए भाई, सुन लीजिए, कहीं ना कहीं दो बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लामबंद है, G20 समिट चाहे जो इनका इन्वेस्टर समिट जिसके लिए ये लोग घूमने गए थे बाहर, इनके जो नेता सब घूमने गए थे, क्योंकि भाई सीधी बात है घूमने नहीं गए थे विवेक जी, इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी उद्योग घूमने तो अखिलेश यादव जी जाते हैं। अच्छा, हमारे लोग तो काम करने जाते हैं, अखिलेश यादव कहाँ के लिए जाते हैं? हम लोग छुट्टी मनाने नहीं जाते विदेश, छुट्टी मनाने तो अखिलेश यादव जी जाते हैं, राहुल जी जाते हैं। अच्छा, हमारे मंत्री तो गए थे विदेशी उद्योगपतियों से बात जी को रहे, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी कर रहे हैं, सम्मेलनों की डिग्री से इन्वेस्टर आ रहे हैं, सम्मेलन की डिग्री धारित करने वाले जा रहे इन्वेस्टर समिट को वो करने के लिए, तो भैया ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो मैं मतलब घूमने तो अखिलेश यादव जी जाते हैं, छुट्टी मनाने विदेश राहुल जी जाते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास घूमने घामने के लिए समय कहाँ मिलेगी? सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, अभी प्रशासन ऐसे अगर चुनाव होते तो एक महीने पहले कम से कम इनको घोषित करना पड़ता, बाकायदा एक वो लग जाता। और इसके सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी प्रशासन पूरी तरह व्यस्त रहेगा इन कार्यक्रमों में,
ये कहीं चाहिए सम्मेलन करवा लेते या तो चुनाव करवा लेते। अच्छा। ये पूरी तरीके से जो कोर्ट में फाइल की गई थी, देखिए अच्छा। महाधिवक्ता होता है सरकार का, बिना उसकी नजर से गुजरे इस तरह के गंभीर मसले निकलते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है लॉ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, उसके ऊपर खुद अग्नि विभाग आदित्यनाथ जी के पास है, कानून विभाग उनके पास है, तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी नजर से गुजरे बिना इतना गंभीर मसला अगर कोर्ट में चला जाता है तो ये तो इससे भी बड़ी हास्यास्पद बात है कि इस मसले की गंभीरता ही नहीं पता इनको। और सबसे बड़ी बात है ये सरकार मतलब कागजों पे हवाई चल रही है, जिसका जो मना रहा है वो अधिकारी कर दे रहा है, जिसको अच्छा। जो समझ में आ रहा है वो लिखापढ़ी कर दे रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बजट पास हो जा रहा है, मतलब कोई रूपरेखा प्रारूप है ही नहीं। अच्छा। आप तो साबित करेंगे ना, कोई रूपरेखा प्रारूप है नहीं, रिवर फंड की बात करते हैं, रिवर फंड आप साबित करेंगे ना, दो बार आप ही की कमेटी बनी और आप ही लोगों ने आदरणीय शिवपाल जी को क्लीन चिट दी, आपको नाम याद दिया भाई, विवेक पांडे जी जांच अखिलेश जी के दरवाजे तक जाए, उनको भी अंदर जाना पड़ेगा। विवेक पांडे जी जांच विवेक जी, अरे विवेक जी छोटे लोग जाएंगे। विवेक पांडे जी विवेक पांडे जी, अरे विवेक जी, अरे विवेक सुन लीजिए, अरे विवेक जी, अरे विवेक जी सुन लीजिए, मेरा ये कहना बड़ा बयान है मिला भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई मकसद नहीं है, सुनेंगे नहीं, गला फाड़ चिल्लाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दायरे में आता जाएगा वो जाएगा, विवेक भाई यादव के दरवाजे पे जांच जाएगी, आगे अखिलेश जी के भी दरवाजे तक जांच जाएगी, जांच में जो लोग पहुंचाए जाएंगे अंदर। विवेक जी, विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि जांच अखिलेश यादव के घर तक पहुंचेगी, वो भी जाएंगे। अरे तो हम कहां मना कर रहे हैं, आप जांच ही करते हैं, कभी कुछ जेल जाएंगे बोला है, जांच तो आप पहले कार्यकाल से कर रहे हैं, पहले कार्यकाल से जांच चल रही है, हम देख जाएंगे और बड़े लोग भी जाएंगे, बड़ी मछलियां भी जाएंगे। अच्छा, जो जो इसमें लिख तो कोई बक्सा नहीं जाएगा, विवेक पांडे अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चले चले अपने आप पराए किसी पक्ष की नहीं, चले ठीक है ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा का विषय था कि शायद ओबीसी आरक्षण पर जो फैसला आया है उस पर क्या होगा, सियासत गर्म हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है दो यात्राएं भी होंगी, यात्राएं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की यात्रा जिसमें वो गांव गांव जाएंगे, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की यात्रा लोकतंत्र बचाओ आरक्षण बचाओ 2 जनवरी शुरू होगी। अब आने वाले समय में शायद कुछ जनता के मुद्दों पर भी अगर संघर्ष होगा, ऐसी यात्राएं होंगी तो शायद कुछ तस्वीर बदलेगी। अगर वास्तव में संघर्ष करना चाहते हैं या वास्तव में गरीबों का भला करना चाहते हैं, वास्तव में पिछड़े वर्ग दलित वर्ग शोषित वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं तो उनके जो जरूरी मुद्दे हैं उसके लिए भी संघर्ष करिए। केवल आरक्षण के लिए संघर्ष ठीक है, आपका आरोप प्रत्यारोप की दौर जो हो रहा है वो विपक्ष की भूमिका होना भी चाहिए, पर यहाँ पर कुछ संघर्ष शायद मुद्दों के लिए हो जाए तो कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा परिवर्तन जो शायद हमारे देश को आगे लेके जाएगा और हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भी। चर्चा करते रहिए, संघर्ष करते रहिए और कुछ संघर्ष जनता के लिए भी करिए, तभी बदलाव होगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।